बड़े पागल है बंदे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। रात को ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। लेकिन अब आप प्यार देने लग गए हैं यूट्यूब पे, तो मैंने कहा नहीं, पीछे नहीं हटना। चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, मैंने अब व्लॉग बनाना है। जो मर्ज़ी हो मैंने व्लॉग बनाना है। तो अब इब्राहिम के पास जा रहे हैं और आप वीडियो देखें, एंजॉय करें। हम वहाँ जाके फिर मिलते हैं। बाय बाय। हेलो गाइस, हम पहुँच चुके हैं इब्राहिम भाई के पास। वहीं से बुला दो गाइस चाचू। उसके बाद फिर हम जाएंगे फहद भाई के पास। और हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? हेलो गाइस, तो देख रहे हो आप, ये है मेरे चाचू का बेटा जिसका नाम है अली हमजा। तो गाइस आज हम लोग इसे ब्लॉग में लेके आएंगे। बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं भला के पास। ए, चार्जर किधर गए? नए डब्बे डब्बे छोंदे क्या नहीं आईफोन दे? तू किधर मार रहा है यार? ये आईफोन एक्स तू भी महंगे है, 2 लाख रुपए चार्जर, 2 लाख रुपए का। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हां ये रुक, कहां से आते हैं ये भाई? यार कितनी देर हो गई वेट करके, थक गए। वो कह रहे बाजार गया है, क्या करे अब? 2 लाख रुपए का चार्जर लेके आया हूँ मैं, iPhone X Max का नहीं सही है। तो फाइनली गाइस एहसान भाई अपने डेरे पे आए हुए हैं और आप देखें। ओ एहसान भाई, एहसान भाई आओ आओ, तो शरीफ ले मेरा मीठा, मेरा चांद बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो फाइनली गाइस एहसान भाई के हम डेरे पे आए हुए हैं और ये एहसान भाई काम कर रहे हैं खुद। ये उनके नौकर भी खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी यार ये करना पड़ता है यार, ऐसे नहीं करते वो लोग। हाँ करना पड़ता है यार। रुको मैं आप जाप कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं कर लूँगा। नहीं दिखाओ, चलो यार करके दिखाता हूँ मैं। छोड़ दो मुझे, गलती से हो गया काम भाई, छोड़ दो। पता है किसको पंगा लिया? छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो एहसान भाई। गाइस हम आए हैं एहसान भाई के डेरे पे और ये दोनों भाई हैं ना, तो इन दोनों का और ये लोग काम कर रहे हैं काफ़ी सारे। और ये भाई काम करवाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जब तक बंदा मालिक खुद ना हो तो नौकर कोई काम भी नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। यार जल्दी करो, हफ्ता तो थी ये काम थी ना, अभी ये बाए लोग होने डूडी भाने सारा काम सबमिट गिने। वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपने डेरे पे आए हुए हैं, लेकिन डेरे पे जब आते हैं तो बंदा अपनी औकात पे आ जाता है। जो बंदे की असलियत देखें वो झोंपड़ी खड़ी है, झोंपड़ी। और जब भी बंदा अपने मकानों पे आए तो वहाँ ऐसी झोंपड़ियाँ बनाए। तो गाइस आज हम लोग ने एहसान भाई का डेरा देख लिया और घूम फिर लिया, बहुत मज़ा आया आज हमें। तो हर किसी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो गरीब लोग होते हैं वहाँ रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं अपनी, अमीर लोग अपने वो जो से वो घर होते हैं कोठी वगैरह उसमें रहते हैं। ये हमारा जो कज़न आया हुआ है, ये मेलसी से आया हुआ है हमसे मिलने के लिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम काफ़ी हाई लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन इस तरह आप आगे भी हमें सपोर्ट करते रहें, कैसे सपोर्ट करेगा ना हमें? ये रेस लगा रहे हैं, जो जीता उसे डेरा मिलेगा। गाइस एहसान भाई के डेरे पे आए हुए थे और हमने बहुत इन्जॉय किया और उन भाइयों ने हमारी बहुत ही ज़्यादा खिदमत की है और थैंक यू सो मच। वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी रात को, मैंने आपको बताया था कि सुबह 5 बजे मेरी तबीयत ख़राब थी और 10 बजे तक मेरी तबीयत ख़राब ही रही है। और मैंने मेडिसिन लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया था। तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना देते हैं, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी सपोर्ट की वजह से रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग बना लूँ। फाइनली गाइस हम व्लॉग बना के आ चुके हैं और थके भी हैं, क्योंकि हम इतनी दूर से आए हैं और एहसान भाई घर चले गए हैं, उनका शायद ऑपरेशन हो 1-1.5 हफ्ते तक। देखिए आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप मुझे इतना सपोर्ट करते आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो इससे भी ज़्यादा सपोर्ट करते रहें मुझे।